शांति। आज की तारीख है 7/3/16 और आज की ज्ञान मुरली सुनने के पहले आप सभी को महाशिवरात्रि और शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और अभिनंदन हो, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का महात्योहार और ये त्योहारों का गुरु त्योहार है, क्योंकि ये हमारे परम प्रिय परमपिता परमात्मा सदा कल्याणकारी शिव बाबा की स्मृति का यादगार त्योहार है। और शिव बाबा को कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अब महिमा तो अपरम अपार है, परंतु हम सुनेंगे आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सत्यम शिवम। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है कौन से लाल, माना बच्चे, प्यार में बच्चों को लाल शब्द भी कहा जाता है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल फरमान बरदार और जो वफादार हैं, जो कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत बजा है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य, शिव भगवान उवाच। नंबर एक, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार और फरमान बरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। नंबर दो मधुर महावाक्य है श्री मत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में यानी इस वायदे में पक्का रहना है, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना है। और आज शिवरात्रि के महापर्व पर सतगुरु शिव बाबा का वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहकर सदा सुख और शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। बाबा कहते हैं सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहकर सुख और शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख और अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। नंबर दो है यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है आज का सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अच्छा,
ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।